नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सोनी। हम लोग इस वीडियो में सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बात करेंगे। ये चैप्टर कंसाइज की क्लास 10th की SSC बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर 2 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में मेनली, जिसमें एक्सरसाइज 1 सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है और एक्सरसाइज 2 मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड है। सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक ए x1 y1 और एक c x2 y2। अगर इन दो कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन के ज़रिए मिला दिया जाए और उस लाइन पे एक पॉइंट मार्क करा जाए b, जो कि उस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो b के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। अब क्या फार्मूला है इसका? फार्मूला है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। इससे हमें x के कोऑर्डिनेट मिलेंगे और y के कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो मैथ्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो लगाएं। एक्सरसाइज 1 में फ़िलहाल 24 क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें से मैंने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के जो हैं वो चूज़ करे हैं। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को हम लोग उठाते हैं, जो कि कह रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो हम लोग बनाते हैं एक लाइन फ्री हैंड से। ये पॉइंट ए है हमारा और ये है पॉइंट बी। इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसमें सीधा सा सेक्शन फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे? फॉर पॉइंट पी, ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -4, 6 और बी के लिख लेते हैं 3, -5। तो सेक्शन फार्मूला हमारा ऊपर लिखा ही हुआ है, हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग एक्स वाला रखेंगे फॉर्मूला, दैट इज m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, m1 है हमारा 3 × x2 है हमारा 3, फिर प्लस m2 है हमारा 2 और x1 है हमारा -4। डिवाइड करते हैं m1 + m2 यानी 3 + 2, ये हमें देगा 9 - 8 / 5 यानी कि -1/5। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। अब y का कोऑर्डिनेट भी एज इट इज़ फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारा m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। सीधे वैल्यूज पुट करते हैं, m1 हमारा 3 है, y2 हमारा -5 है, प्लस m2 हमारा 2 है और y1 है हमारा 6। डिवाइड करते हैं 3 + 2, आंसर क्या मिलता है हमें? -15 + 12 / 5 यानी कि -3/5। तो आप देख सकते हैं हमें x का कोऑर्डिनेट मिल गया और y का मिल गया। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p विल बी -1/5 एंड -3/5। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ सेम ही कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट a, 6 डिवाइड द जॉइन ऑफ -4, 3 और 2, 8। यानी हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक तो -4, 3 एंड एक है 2, 8। इस दोनों के जॉइन को यानी इस दोनों की लाइन को एक पॉइंट है a, 6 जो कि डिवाइड कर रहा है। ये किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो इस कोऑर्डिनेट में हमें एप्सिसा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि फ़िलहाल के लिए कांस्टेंट ए दे दी गई है। ऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 6 दिया हुआ है।
अभी हमने देखा था कि जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है तो रेशियो में डिवाइड करते हैं M1 और M2 में, उस तरह से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब एक नया मेथड करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग मानते हैं कि जो रेशियो डिवाइड हो रहा है वो K:1 में कर रहा है। ये हमारा सेम है, इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पहले से गिवेन है वाई एक्सिस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंगे वाई इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए M1 Y2 प्लस M2 X1 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। वाई की वैल्यू हमें गिवेन है ऑलरेडी, जो कि 6 है, तो सीधे पुट करेंगे 6 इज इक्वल टू M1 की जगह आपके लिए हम लोग K पुट करेंगे, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 6 × Y2 हमारा है 8, प्लस M2 हमने 1 मान के रखा है, तो 1 × Y1 है हमारा 3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यानी कि K+1। तो हमारे देखिए क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, K+1 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 K+1 इज इक्वल टू 8K+3। इसको ओपन करेंगे, 6K+6 में 6K उधर जाएगा, तो 8K-6K यानी 2K, और इधर हमारा 6 है, 3 इधर आएगा इक्वल्स टू के, तो माइनस हो जाएगा, यानी हमारा बचेगा 3। तो K की वैल्यू हमें फाइंड होगी 3/2। यही K की वैल्यू हमारी M1/M2 बन जाएगी। देखिए हमने माना था M1/M2 जो है हमारा K:1 का रेशियो में, जब K की वैल्यू हम पुट करेंगे 3/2, तो अल्टीमेटली हमें M1/M2 का ही रेशियो मिल जाएगा, जो कि K का रेशियो है, 3:2। अब क्योंकि हमें रेशियो पता है, ऑर्डिनेट पता ही है दोनों पॉइंट के, तो A की वैल्यू निकालना इजी है। X की वैल्यू निकालनी है यानी ऑर्डिनेट की, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे एक्स इंटरसेप्ट के लिए, यानी एक्स इज इक्वल टू M1 X2 + M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 + M2। ये आखिरी बार मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, ताकि वीडियो छोटी से छोटी रहे। तो M1 की वैल्यू K, X2 है हमारा 8, प्लस M2 है हमारा 1, और X1 है हमारा -4 डिवाइड बाई K+1। यहाँ पे हम लोग K की वैल्यू भी पुट करेंगे, यानी 3/2, तो 3/2 × 8 + 1 -4 यानी -4 डिवाइडेड बाई K यानी 3/2 + 1 इज इक्वल टू 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 यानी 3 - 4 + -4 और नीचे आएगा 2 3+2 5/2 यानी कि -1/5। 2 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा, यानी x का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा -2/5। तो फाइनली a की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो जाती है, -2/5। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग दोबारा से डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिंपल सी लाइन ही बनानी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारा कोऑर्डिनेट है -4, 7 और एक हमारा कोऑर्डिनेट है 3, 0। इसमें एक लाइन ज्वाइन करी गई है, जिस लाइन को डिवाइड कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस। तो वो वाई एक्सिस किस रेशियो में इन दो पॉइंट्स की लाइन को डिवाइड कर रहा है? तो हम लोग मानेंगे सबसे पहले कि लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी विच इज इंटरसेक्टिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स बी 0, y। अब क्योंकि वाई एक्सिस है हमारा, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होगा वाई। इसको फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी K:1। हम लोग बार बार अब से K:1 ही रेशियो में लेंगे, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अब y ऑर्डिनेट है हमारा, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें, तो सीधे से पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ताकि हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाए। एक बार k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी
तो हमारा रेशियो हो जाएगा यानी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे, वाई की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो ये लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू एम वन यानी के इन टू वाई टू। हम लोग थोड़ी देर मान लेते ऊपर एक लाइन लिख भी लेते हैं कि एक्स वन वाई वन माइनस फोर कॉमा सेवन एंड एक्स टू वाई टू थ्री कॉमा ज़ीरो। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो एम वन इंटू एक्स टू यानी कि थ्री प्लस एम टू यानी वन इंटू एक्स वन यानी माइनस का फोर डिवाइड करेंगे एम वन प्लस एम टू यानी के प्लस वन। अब के प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई को ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली ज़ीरो ही बन जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री के माइनस फोर। माइनस फोर इधर आएगा इक्वल टू के प्लस फोर बन जाएगा और के की वैल्यू हमें फाइंड होगी फोर बाई थ्री। यही हमारी एम वन बाई एम टू की वैल्यू भी होगी। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू फोर बाई थ्री। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो पॉइंट है हमारा जो डिवाइड कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। एक्स तो ज़ीरो है तो इसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी क्योंकि हमारे पास रेशियो निकल चुका है फोर टू थ्री। तो ये भी हम लोग निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे और कहेंगे वाई इज इक्वल टू एम वन यानी अब के लिए हमारे पास एम वन पता देखिए हमें फोर इन टू वाई टू, वाई टू हमारा ज़ीरो है, प्लस एम वन एम टू सॉरी थ्री इन टू वाई वन। वाई वन हमारा सेवन दिया है और अपॉन में आ जाएगा हमारा एम वन प्लस एस टू यानी कि फोर प्लस थ्री सेवन। फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो, थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन बाई सेवन यानी कि इसको कैंसिल करेगा थ्री। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वाई एक्सिस के जो कि इंटरसेप्ट कर रहे लाइन को वो होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो कॉमा थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है फाइव कॉमा माइनस टेन और एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है। तो इसको बना लेते हैं पहले फाइव कॉमा टेन माइनस टेन और एक पॉइंट हमारा ओरिजिन यानी ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये लाइन फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी जा रही है ए बी सी एंड डी पॉइंट्स में, यानी कि ए बी सी एंड डी। देखिए हमारे पास फाइव इक्वल पार्ट है, वन पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। अब इसमें हमसे कह रहे हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं क्योंकि हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ले लेंगे कि लेट द पॉइंट्स ऑन द लाइन बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी था। हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब देखिए बी पॉइंट जो है हमारा इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब सारी लाइन पार्ट्स इक्वल है तो वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन में है। तो बी पॉइंट अगर हम इस पॉइंट से लें तो हमें मिलेगा देखिए दो पार्ट, एक पार्ट ये एक पार्ट यानी टू और एक दो तीन, तीन पार्ट ये हैं हमारे पास यानी बी पॉइंट टू इज टू थ्री के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इन दो कोऑर्डिनेट्स को लेके। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फॉर पॉइंट बी सीधे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हुए एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे यानी कि एम वन जो कि टू है हमारा इन टू एक्स टू यानी कि ज़ीरो प्लस एम वन एम टू सॉरी थ्री इन टू एक्स वन यानी कि फाइव डिवाइड करेंगे एम वन प्लस एम टू यानी कि फाइव। तो टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस थ्री इंटू फाइव फाइव बाई फिफ्टीन जो कि हमें आंसर मिलेगा थ्री। वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, एम वन यानी टू इंटू वाई टू हमें फिर से ज़ीरो ही है, एम टू हमारा थ्री है इंटू वाई वन है हमारा माइनस टेन।
डिवाइड करेंगे एम वन प्लस एम टू यानी कि टू प्लस थ्री फाइव, तो टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, थ्री इंटू माइनस टेन यानी कि माइनस थर्टी डिवाइड बाई फाइव का मतलब है माइनस सिक्स। तो हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो चुके हैं, क्या हैं जो कि बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं क्या था थ्री कॉमा माइनस सिक्स। अब हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट डी को हम लोग देख लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक दो तीन चार, चार पार्ट इधर हैं और एक पार्ट इधर है, यानी फोर इज टू वन का रेशियो है हमारा। तो सीधे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं एम वन जो कि फोर था, इन टू पॉइंट से हमारे ज़ीरो प्लस एक पार्ट उधर था तो एम टू हमारा वन हो गया ये, और हमारा वाई टू है एक्स टू सॉरी फाइव डिवाइड करेंगे। डिवाइड में हमेशा फाइव आएगा हमारा, फोर प्लस वन जो कि रेशियो था फाइव, यानी कि फाइव डिवाइडेड बाई फाइव वन। वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, फोर इंटू वाई टू, वाई टू फिर से ज़ीरो हमारा है क्योंकि ओरिजिन था, प्लस वन इंटू हमारा एक्स टू क्या था माइनस टेन, तो माइनस टेन हो गया इंटू हमारा डिवाइडेड बाई फाइव, यानी फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू माइनस टेन माइनस टेन बाई फाइव यानी कि माइनस टू। तो हमारे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, वन को हम माइनस टू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टेन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग बात नहीं है पिछली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें आपके जो रेशियो दिया हुआ है ये देने का मेथड थोड़ा सा दूसरा है। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ए हमारा पॉइंट है फोर कॉमा थ्री और बी हमारा पॉइंट है टू कॉमा माइनस सिक्स। कह रहा है सच डेट फाइव ए पी इज इक्वल टू टू बी पी, यानी एक हमारा बीच में इस लाइन पे पॉइंट है पॉइंट पी, ये पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, फाइव ए पी इज इक्वल टू टू बी पी। तो देखिए हमारा M1 वन बाई एम टू का रेशियो क्या होता है, M1 हमारा होगा AP और डिवाइड बाई M2 हमारा होगा PB की लेंथ यानी कि PB। तो हमें ये M1 वन बाई एम टू इसी रिलेशन से फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे AP यहीं पे रख रहे हैं, BP को यहाँ आप डिनोमिनेटर में बुला लेते हैं, 2 हमारा यहीं पे रहेगा और 5 को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो AP बाई PB का रेशियो हमें मिल जाएगा 2 बाई फाइव का, जो कि हमारा एम वन बाई एम टू का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया, रेशियो हमारा फाइंड हो गया, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम लोग कैसे, पहले एक्स और वाई। तो एक्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए एम वन यानी कि जो कि हमें फाइंड हो गया टू बाई एम वन हमारा टू इन टू एक्स टू यानी कि टू प्लस एम टू यानी कि फाइव और एक्स वन यानी कि फोर डिवाइड होगा टू प्लस फाइव यानी कि सेवन, फोर प्लस ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी फोर बाई सेवन, एक्स कोऑर्डिनेट ट्वेंटी फोर बाई सेवन हमारा निकल आया है। सॉरी हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये हमारा टू कॉमा माइनस सिक्स नौ के माइनस टू कॉमा सिक्स था, तो हमारा चेंज क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, टू यानी एम वन इंटू एक्स टू जो था तो वो माइनस टू हो जाएगा, इतना से चेंज जाएगा, तो टू इंटू माइनस टू यानी कि माइनस फोर प्लस ट्वेंटी यानी कि हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे ट्वेंटी फोर बाई सेवन ना मिल के सिक्सटीन बाई सेवन। और वाई कैसे फाइंड होगा, एम वन यानी कि टू इंटू वाई टू यानी कि सिक्स प्लस एम टू यानी कि फाइव इंटू वाई वन यानी कि थ्री डिवाइड हो जाएगा एम वन प्लस एम टू यानी टू प्लस फाइव सेवन, तो सिक्स टू ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन यानी कि ट्वेंटी सेवन बाई सेवन। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी सिक्सटीन बाई सेवन एंड ट्वेंटी सेवन बाई सेवन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पिक किया है। इस क्वेश्चन में क्या अलग सी बात है, वो ये कि हमारे पास दो पॉइंट तो दिए हुए हैं जो कि हर क्वेश्चन में देते थे बार बार,
इसमें इन्होंने वर्ड यूज़ किया ट्राइसेक्टेड। अब ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है कोई एक लाइन जिसे दो पॉइंट डिवाइड करे तीन इक्वल पार्ट्स में, 1:1:1 के रेशियो में। और आपके लिए इंटरसेक्ट कर कौन रहा है, कोई पॉइंट ना करके बल्कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको अगर हम लोग डायग्राम के फॉर्म में देखें तो हम लोग देखेंगे ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ये दो एक्सिस एक लाइन को इंटरसेप्ट कर रही हैं, मतलब ये लाइन हमारी कुछ इस तरह होगी, जो कि ये हमारा पॉइंट है -5.8 और एक पॉइंट नीचे गिवन होगा 10.-4। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाई एक्सिस जो इंटरसेप्ट करे और एक हमारा एक्स एक्सिस। ये हमारी पॉइंट लाइन ट्राइसेक्टेड है। तो ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा रेशियो 1:1:1 का है। हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट। तो वाई एक्सिस पे अगर हम लोग इसको नाम दे दें पॉइंट ए बी सी और डी, तो बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें पता है वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। तो लेट द पॉइंट ऑफ बी में कितना हो जाएगा 0.y। अब जीरो की वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी है हमें एक्स कोऑर्डिनेट की, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, रेशियो हमें गिवन ही है, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। सीधा से हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीधे वाई की वैल्यू निकालते हैं, बल्कि वाई इज इक्वल टू एम वन। अब देखिए हमारा बी से ए की दूरी और डी की दूरी कैसी है, ए से बी तक वन पार्ट और बी से डी तक 1+1 टू पार्ट हो गया। तो एम वन बाई एम टू का रेशियो हमारा इसमें क्या बनेगा, एम वन बाई एम टू का रेशियो हमारा बनता है 1:2 का, किसके लिए, फॉर पॉइंट बी। बी पॉइंट के लिए हमारा रेशियो एम वन बाई एम टू का 1:2 का। तो वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, एम वन यानी 1 × y2 यानी कि -4 प्लस एम टू यानी कि 2 और वाई वन यानी कि 8 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू यानी कि 1+2 3। तो -4+16 यानी कि 12y3, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हमें क्या मिला पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी विल बी 0.4। ये हमें फाइंड हो गया। अभी इसी तरह से सी का फाइंड कर लेंगे हम लोग एज इट इज़। सी में क्या होगा, सी का पॉइंट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो पॉइंट ऑफ सी जो हम लोग मानेंगे वो कहेंगे आपके लिए हमारा एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0। सेम इसी तरह एक्स के फॉर्म में इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और फाइंड कर लेंगे वैल्यू। तो इसको हम लोग फर्दर ना करके, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा पिक करेंगे। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में थोड़ा से अलग करा गया है, जैसे कि इन्होंने ट्रायंगल बनाया है जिसके वर्टिसेस हैं ए बी और सी। इसके दो साइड्स ए हमारा है मान लेते हैं ये, जिसके कोऑर्डिनेट है 2.5, बी जिसके कोऑर्डिनेट है -1.2 और सी जिसके कोऑर्डिनेट है 5.8। तो क्या कह रहे हैं इस पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। यानी पॉइंट पी हमारा ए बी पे लाई कर रहा है कहीं पे, और हमारा पॉइंट क्यू जो है वो हमारा ए सी पे लाई कर रहा है। और सच डेट ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू ए क्यू इज टू क्यू सी इज इक्वल टू 1:2। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें कि ए पी और पी बी का जो रेशियो है वो उतना ही है जितना कि ए क्यू और क्यू सी का है, यानी कि ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी 1:2। क्वेश्चन में गिवन है कि ए पी हमारा 1 पार्ट है और पी बी हमारा 2 है रेशियो। उसी तरह ए क्यू ए सी में भी ये 1 है हमारा और ये हमारा 2 है। तो हमें कह रहे हैं कि इसके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। अब हमें रेशियो गिवन है, दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालना कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं, इतनी देर से हम लोग क्वेश्चंस में निकाल रहे हैं।
तो सीधे हम लोग लिखते हैं पॉइंट्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके ही प्रीवियस के तरीके हम लोग निकाल लेंगे। पॉइंट्स ऑफ पी हमारे जो आएंगे वो आएगा 1,4 और पॉइंट ऑफ यानी कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हमारा आएगा 3,6। ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। सेकंड पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का कह रहा है वो कह रहा है कि शो डैट पी क्यू इज इक्वल टू 1/3 BC, यानी पी क्यू की जो लेंथ है ये लेंथ हमारी, ये हमारी बी सी के 1/3 है, यानी अगर ये 6 है तो ये हमारी 2 होनी चाहिए। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग सीधा सा काम करेंगे, इन दोनों की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है हमारे पास वो इस तरह होता है कि अगर हमें निकालनी लेंथ ऑफ पी क्यू तो हम लोग करेंगे होल अंडर रूट हो जाएगा x2 - x1² + y2 - y1²। अब हमारा पॉइंट क्यू चाहे आप एक्स वन वाई वन मान लिए चाहे पॉइंट पी एक्स वन वाई वन मान लिए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। तो सीधा से जब हम लोग निकालते हैं पॉइंट तो पी के हमें पॉइंट्स पता ही हैं, क्यू के भी हमें पता ही हैं, वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो एक्स टू यानी कि हमारा 3 - x1 यानी कि 1² इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है तो साइन में कोई भी अंतर नहीं आना है, प्लस y2 हमारा 6 - 4² अब आप देखिए अगर आप 1 - 3 भी रखते हैं तो भी हमारा -2² 4 ही आता है और 3 - 1 2² 4 ही आएगा। उसी तरह चाहे आप 6 - 4 रखिए चाहे 4 - 6 रखिए, आंसर सिमिलर ही रहने वाला है। तो होल अंडर रूट रहेगा हमारा भी 3 - 1 यानी 2² 4 प्लस 6 - 4 यानी 2² 4 अगेन, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 + 4 यानी कि 2 × 4 देखिए हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं और 4 का रूट हमें पता 2 होता है और ये 2 अंदर ही रह जाएगा तो 2√ पी क्यू की लेंथ आ जाती है। अब हम इसी तरह बी सी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। बी सी की लेंथ क्या होगी फिर से यही होल अंडर रूट x2 - x1, तो x2 इस केस में हमारा है 5 और x1 है हमारा -1, तो 5 - -1² प्लस y2 यानी कि 8 - 2² तो हमें क्या फाइंड होगा 5 - - प्लस तो 5 + 1 6² यानी कि √36 प्लस 8 - 2 अगेन 6 तो 6² 36। अब इसको हम लोग देखिए ऐड नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2 × 36 क्योंकि a + a + a को हम लोग 2 लिख सकते हैं, इसी तरह 36 + 36 2 × 36 हो गया। ऐसे इसलिए करा क्योंकि हमें पता है 36 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, एग्जिस्ट करता है, 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 बन जाएगा, √2 अंदर ही रहने वाला है तो 6√2। अब देखिए हमें फाइनली फाइंड प्रूफ करना था पी क्यू इज इक्वल टू 1/3 BC, तो हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं पी क्यू बाई बी सी का और देखते हैं क्या ये वैल्यू इक्वल आ रही 1/3 के। पी क्यू की लेंथ है हमारी 2√2 और बी सी की लेंथ आई हमारे 6√2, तो √2 और √2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली आएगा 1/3। हमें रिक्वायर्ड क्या था पी क्यू इक्वल टू 1/3 BC, बी सी को ऊपर भेजेंगे न्यूमरेटर में जिससे हमारे पास क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था उसी फॉर्म में आंसर मिलेगा, तो 1/3 BC हमारा ऊपर जाएगा यानी कि BC, और ये हमारा प्रूव हो जाता है। हेंस प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी हमसे ट्राइंगल ही फॉर्म करवा रहा है जिसकी वर्टिसेस हैं a, b और c, मगर इसमें अंतर का a के कोऑर्डिनेट हमें -3,4, b है हमारा b के कोऑर्डिनेट हमारे 3,-1 और c पॉइंट है हमारा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2,4। इसमें आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AP, एक AP हमारी लाइन है इस ट्राइंगल में, तो P तो हमारा है नहीं, P हमें कहाँ पर बनाना है ये आगे पता चलेगा।
वेयर पॉइंट पी लाइज इन साइड बी सी, यानी पॉइंट पी हमारा बी सी पे कहीं लाई कर रहा है ए से लेकर के, सच डेट बी पी इज इक्वल टू पी सी 2:3, यानी कि ए पी हमारी एक लाइन होगी कुछ इस तरह से, ये पॉइंट पी होगा हमारा, ये बी पी और पी सी 2:3, यानी बी पी हमारा 2:1 का होगा और पी सी हमारा 3 का होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आसान करना है। हम लोग कहेंगे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और सीधा निकाल लेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होगा m1 यानी 2 इंटू x2 यानी कि -2 प्लस m2 3 इंटू x1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2+3 5। तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 5/5 का यानी कि 1। इसी तरह y फाइंड होगा 2 इंटू y2 यानी कि 4 प्लस m2 3 इंटू y1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 5। तो 8 -3 इंटू -1 -3 8 -3 5/5 अगेन 1। तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज 1,1, दैट्स इट। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है इसने कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एपी, एपी की लेंथ भी फाइंड करनी है। अभी पीछे हमने देखा था कि लाइन की लेंथ कैसे फाइंड करी जाती है, लाइन के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, पी के हमने अभी अभी फाइंड कर लिए हैं। तो इसकी लेंथ निकालते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ए पी हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, x2 है हमारा इस केस में, किसी को भी हम लोग मान सकते हैं, फिलहाल हमने इसको x2 मान लिया है, तो 1 -x1 यानी -3 का स्क्वायर प्लस y2 अगेन 1 -y1 यानी कि 4 का स्क्वायर। इसे क्या मिला, 1 -- प्लस 1 +3 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 1 -4 -3 का स्क्वायर 9 यानी कि अंडर रूट 25 जो कि हमें देगा 5। तो लेंथ हमें क्या मिली, 5, और यूनिट ध्यान से रखिए स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट हमें कोई गिवन नहीं है, तो हम लोग 5 स्क्वायर यूनिट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या कर रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ए और बी, ये इंटरसेप्ट करी जा रही है एक्स एक्सिस के द्वारा एट द पॉइंट के। तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस एक पॉइंट है ए 2,3, एक पॉइंट है हमारा 6,-5 बी, इसको इंटरसेप्ट करी एक्स एक्सिस, यानी ये हमारी लाइन हो गई, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, ये पॉइंट हमारा इन्होंने के दे के रखा है। फाइंड करने को क्या करें, राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के, ऑर्डिनेट यानी एक्स इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है। अब वाई तो हमारा 0 होगा एक्स एक्सिस पे, तो कुछ हमारा एक्स को हमें 0 ही होगा वैल्यूज की, तो एक्स यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हमें कैसे पता लगा, ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो क्योंकि हमारी ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है तो, और एप्सिसा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ए पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, पॉइंट बी में हमारा ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है और एप्सिसा की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, तो के की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि वाई हमें क्योंकि 0 गिवन है, तो हम लोग कहेंगे फॉर पॉइंट के जो कि हमारा है एक्स को 0, इसमें जब हम लोग वाई लेंगे, वाई इज इक्वल टू 0 क्योंकि गिवन है, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग अपना, तो होगा रेशियो हम लोग, अच्छा हाँ रेशियो हम लोग मानेंगे केस टू वन का ही,
फिर से एम वन एम टू की जगह केस टू वन का, यानी ए से के की और के से बी की हमारा रेशियो के और वन का है। तो एम वन हमारा के हो गया इन टू हो गया हमारा एक्स टू, एक्स टू हमारा क्या है सिक्स, और एम टू हमारा वन है इन टू एक्स वन हमारा क्या है टू। ओके हमें क्योंकि हमें वाई लेना था, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, फिर से हम लोग लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू एम वन यानी के और लेंगे वाई टू यानी कि माइनस फाइव प्लस एम टू यानी कि वन इन टू वाई वन, वाई वन हमारा थ्री गिवन है अपॉन में एम वन प्लस एम टू यानी कि के प्लस वन, के प्लस वन ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। तो वैल्यू में क्या मिलेगी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस फाइव के प्लस थ्री, थ्री हमारा इक्वल्स टू के इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो के हमारा क्या माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस फाइव। वेरिएबल को हमेशा कोशिश करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में रखने की, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे तो के की वैल्यू हमें मिलेगी थ्री बाई फाइव। यही के की वैल्यू हमारा एम वन बाई एम टू का रेशियो भी है। ठीक, तो एक बात तो हमारी रेशियो तो फाइंड हो गया है, अब हमें फाइंड करना है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट की, यानी कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने पॉइंट के में वाई तो ज़ीरो दिया हुआ है, एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू एम वन जो कि हमारे इस केस में है थ्री इंटू एक्स टू, एक्स टू हमारा क्या है सिक्स प्लस एम टू हमारा है फाइव और एक्स वन हमारा है टू, डिवाइड करेंगे एम वन प्लस एम टू यानी कि थ्री प्लस फाइव एट, तो थ्री सिक्स है एट्टीन प्लस फाइव टू है टेन, एट प्लस टेन एट्टीन बाई एट यानी कि नाइन बाई फोर। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी थ्री सिक्स है एट्टीन एंड फाइव इंटू टू टेन, तो एट्टीन प्लस टेन हमारा एट्टीन नहीं बल्कि ट्वेंटी एट हो जाएगा, ट्वेंटी एट बाई एट। तो इसको हम लोग जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फोर से करते हैं तो फोर टू ज़ा एट और फोर सेवन ज़ा यानी कि सेवन बाई टू मिला हमें एक्स का कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट के का कोऑर्डिनेट क्या बना, k इज इक्वल टू एक्स यानी सेवन बाई टू और y हमारा ज़ीरो था, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, और ये ICSE 2004 में एक बार आ भी चुका है। तीन पार्ट है क्वेश्चन के तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पॉइंट आर। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। पॉइंट पी है हमारा माइनस फोर कोमा फाइव, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट देखिए नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पी होगा माइनस फोर कोमा फाइव, और हमारा पॉइंट क्यू है थ्री कॉमा टू, दोनों ही पॉजिटिव है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसको इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस, सही बात है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी करेगी इसको, कहाँ पे पॉइंट आर पे, तो ये हमारा पॉइंट आर है। हमारी आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एम एंड क्यू एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे पी से और आर से दो लाइन गिर रही है परपेंडिकुलर, पी से एम पे गिर रही लाइन यानी ये हमारी हो जाएगी एम पॉइंट, और क्यू से गिर रही है एन पे यानी ये हमारा हो जाएगा एन। फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, द रेशियो ऑफ पी आर इज टू आर क्यू, यानी इसका और इसका रेशियो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले तो लेट कर लेंगे फास्ट पार्ट कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के इज टू वन, कोऑर्डिनेट फाइंड करने सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एक्स इज इक्वल टू एम वन यानी के इंटू एक्स टू यानी कि थ्री प्लस एम टू यानी कि वन इंटू एक्स वन यानी कि माइनस, डिवाइड करेंगे क्या एम वन प्लस एम टू यानी कि के प्लस वन से। अब आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल आ गए,
एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल के। अब जितने हमारे पास अननोन वेरिएबल होते हैं, हमें उतने इक्वेशंस की ज़रूरत होती है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा कि पॉइंट आर जो था ये हमारा था क्या, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी आर के कोऑर्डिनेट होंगे ज़ीरो कॉमा और वाई की कुछ वैल्यू होगी। तो एक्स की जगह हम लोग क्या ज़ीरो पुट कर देंगे ताकि एक वेरिएबल हमारा कम से कम ख़त्म हो जाए, सिर्फ के बचेगा, तो एक ही क्वेश्चन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आराम से। पुट करते हैं वैल्यू के की जगह ज़ीरो, तो 3k माइनस 4 बाई के प्लस 1, के प्लस 1 आपके बार क्रॉस मल्टीप्लाई ज़ीरो से होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 3k माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 4 इक्वल्स टू के उधर वाला आएगा तो पॉजिटिव 4 बन जाएगा। तो k की वैल्यू हमें मिलेगी 4/3, यही हमारी m1 बाई m2 की वैल्यू भी होगी। तो रेशियो जो इसने कहा था हमारा फर्स्ट पार्ट में पी आर और आर क्यू का, वो हमें मिला 4:3 का। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। एक्स तो नहीं फाइंड करने क्योंकि ज़ीरो, वाई फाइंड करना है। रेशियो फाइंड हो गया तो वाई भी फाइंड हो जाएगा। कैसे, फिर से वाई के लिए निकालते हैं हम लोग आपके पास, y इज इक्वल टू एम वन यानी कि 4 इन टू वाई टू यानी कि 2 प्लस एम टू यानी कि 3 और वाई वन यानी कि 5 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू यानी कि 4+3=7, तो 8+15=23/7। तो हमारे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ज़ीरो कॉमा 23/7। अब पार्ट थर्ड क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू एन एम, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखने में हमें फिगर लग रहा है कि रेक्टेंगल, लेकिन एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि आप देखिए पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 5 है और क्यू का 2 है, यानी ये फिगर हमारा क्यू पॉइंट लगभग यहाँ पे आ रहा होगा। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है हमारी, क्यू एन और पी एम दोनों परपेंडिकुलर है यानी पैरेलल है, तो हमारे पैरेललोग्राम बन रहा है। अब एरिया में क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है इनडायरेक्टली। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी हैं, पी एम और क्यू एन, इनका सम। तो क्या रखते हैं, 1/2, बेस हमारी लेंथ क्या है एम और एन की, एम और एन की पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या, बल्कि वैल्यू हमारी एम के देखिए क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स -4.5 पी का है क्योंकि हमारे परपेंडिकुलर है, तो हमारा वाई एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, वाई तो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, -4.0। सिमिलरली एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू ना चेंज होके 3 रहने वाली है और वाई की वैल्यू क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो 0 हो जाएगी। तो हम बेस की लेंथ यानी कि एम एन की लेंथ कैसे निकालेंगे, -4, 3, तो इनको ऐड ना करके बल्कि हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी 4 इधर से 4 यूनिट्स और 3 स्क्वायर यूनिट्स इधर से, तो 4+3=7 हमारा हो जाएगा बेस की लेंथ। और सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करें तो ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ, इसमें वाई एक्सिस हम लोग देखेंगे दोनों में, तो वाई हमारा 5 प्लस इधर से देखें क्यू एन में तो 2 है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो 2, तो हमारा क्या बन जाएगा, हाफ इंटू 7 इंटू 7 का मतलब है 49, 49/2 हमारा आंसर होगा। लेकिन हमारा हमें डेसिमल में या मिक्सर फ्रैक्शन में देना होगा आंसर, तो हम लोग डेसिमल में कर लेते हैं, 24.5 हमें मिलेगा। तो एरिया में क्या मिला, 24.5 यूनिट ध्यान से लिखनी है, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे डन। तो इस एक्सरसाइज में 24 या 25 अप्रॉक्सीमेटली दिए थे क्वेश्चन, जिसमें से हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन करे हैं। ये सारे क्वेश्चन क्योंकि अलग अलग टाइप के थे, इन्हें करने के बाद मुझे नहीं लगता कि पूरे एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी
दिक्कत आने वाली है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या आंसर नहीं फाइंड होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर को फाइंड लिख सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको। धन्यवाद।